नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के BSS राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एंचोली में विज्ञान चेतना मंच प्रभारी दीपा खाती की अध्यक्षता में यूसर्ग द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, विज्ञान क्विज, विज्ञान ड्रामा आदि का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत, दीपा जोशी, हेमंत गुरु महाराज व प्रधानाचार्य लक्ष्मी वल्दिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा छात्राओं को विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अव्वल स्थान प्राप्त बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बाल शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत परीक्षा एक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तनाव मुक्त परीक्षा को लेकर व कैरियर संबंधी आवश्यक जानकारियां दी गई। प्रधानाचार्य लक्ष्मी वल्दिया द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। संचालन अनिता उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ व BEd प्रशिक्षु आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में स्वैच्छिक गतिविधि के माध्यम से सेवा व सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्लोगन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवक रोशनी व स्वाति सहित कई अन्य युवा मौजूद थे। ताइक्वांडो खेल में शानदार प्रदर्शन के साथ पिथौरागढ़ कासनी के TSS ताइक्वांडो अकेडमी के दो युवा सेना में भर्ती हो गए। यह जानकारी उनके प्रशिक्षक सुरेश बहादुर सिंह ने देते हुए बताया कि अकेडमी के दीपक कुमार और मयंक जोशी रानीखेत के कुमाऊं सेंटर में भर्ती हो गए, जिसको लेकर अकेडमी में खुशी का माहौल है। अकेडमी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मिष्ठान वितरण कर खुशी व्यक्त करते हुए दोनों जवानों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर उद्योग महाप्रबंधक कविता भगत, पूर्व प्रधानाचार्य मीनू जगदीश, हिमांशु जोशी, नरेंद्र नगर कोटी, मनोज रावत, कमलेश मखौलिया, नवीन लुंठी, धर्मविष्ट, रवि पांडे, राजेंद्र भट्ट, अनिल कुमार, राजेंद्र राणा, धर्मेंद्र शिला, ललित डशिला आदि ने खुशी व्यक्त की है। पिथौरागढ़ के नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर पालिका का चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत टीम द्वारा एंचोली क्षेत्र में अभियान के तहत 6 दुकानों में पॉलिथीन पाए जाने पर अर्थदंड वसूला गया। सिटी मैनेजर महेंद्र बिष्ट ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। बीते दिवस से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन आगामी 15 मार्च तक किए जा सकते हैं। पिथौरागढ़ सेना इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार प्रथम चरण में ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बेस्ट टेस्ट कराया जाएगा। दूसरे चरण में भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए ₹250 का शुल्क अभ्यर्थियों को देना होगा। भर्ती प्रक्रिया की तिथि घोषित होने से युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ के सैन्य क्षेत्र में आगामी 20 फरवरी से भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं का सैन्य अभ्यास शुरू होगा, जिसको लेकर सैन्य क्षेत्र में तैयारियां की जा रही हैं। यह जानकारी देते हुए पिथौरागढ़ में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल अमित टिमरी ने बताया कि आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाला अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। अभ्यास के दौरान पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए अपने अनुभव साझा करेंगी। आम आदमी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त सुषमा बिष्ट माथुर को पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। सुषमा को पिथौरागढ़ का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर यहां आप कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खुशी व्यक्त करने वालों में चंद्र प्रकाश, गोविंद बिष्ट, महादेव भट्ट, डॉक्टर लोकेश जोशी, भूपेश जोशी, संजय, नरेंद्र, धीरज, राकेश, कैलाश, सरोज, बीना, विनय, संजीव कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। अल्मोड़ा SSP प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार थाना अध्यक्ष चौकुटिया अवनीश कुमार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज योग सेंट रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को यातायात नियमों सहित कानूनी जानकारियां दी गई। इस दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देने के साथ ही जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों व स्टाफ को उत्तराखंड पुलिस ऐप सहित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विद्यालय परिवार द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा के आदेशानुसार कौसानी राजकीय इंटर कॉलेज घैना में थानाध्यक्ष कौसानी संजय ब्रिजवाल द्वारा विद्यार्थियों और स्टाफ को यातायात नियमों, उत्तराखंड पुलिस ऐप, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता, महिला सुरक्षा, गुड टच, बैड टच, नशे के दुष्परिणामों व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान साइबर अपराध को लेकर भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है।
पिथौरागढ़ में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस टीमों ने विभिन्न होटल ढाबों में विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए दो व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है तथा 37 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस विशेष अभियान के तहत उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगे के नेतृत्व में टीम द्वारा सिलधाम के निकट चेकिंग के दौरान भगवान नाथ गंगोलीहाट हाल निवासी कुमड़ को 86 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक बबीता टमटा द्वारा सिलथाम के निकट एक दुकान में छापेमारी कर संचालक धन सिंह निवासी बाजूरा नेपाल हाल निवासी लुंडुड़ा को दुकान में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने व बेचने पर कुल 5 बोतल 24 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 37 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। वड्डा में उप निरीक्षक जितेंद्र सोरारी द्वारा कैलाश जोशी को शांति व्यवस्था भंग करने पर 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। इधर वारंटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी द्वारा न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में आरोपी दीपक जोशी निवासी कैंट रोड व उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह द्वारा आरोपी वारंटी अमित पांडे निवासी चंडा को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।